मेरा नाम दिलीप सिंह है, मैं राजस्थान उदयपुर से आया हूँ और मेरे को ये 3 साल से एसिडिटी और वोमिटिंग होना और खाना जो खाते हैं वो बाहर आ जाता है, ये तकलीफ मुझे 3 साल से है। तो मैंने यूट्यूब से डॉक्टर चिराग ठक्कर के यहाँ से ढूंढा है एड्रेस और ढूंढ के मैंने उनके पास आया हूँ। तो उन्होंने मुझे 24 घंटे PhD करने की सजेशन किया है, तो मुझे ये 24 घंटे से लगा रखा है, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई और बहुत ईजी सा टेस्ट है और इसके बाद मतलब खाने पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मेरा नाम दिलीप सिंह है, मैं राजस्थान से आया हूँ और पहले आगे मैंने PhD 24 PhD करवाई, जो उसमें रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो फिर सर ने मुझे सर्जरी के लिए एडवाइस दिया और फिर मैं सर्जरी के लिए कल एडमिट हुआ और कल मेरी शाम को सर्जरी हो गई। उसके बाद मैं 2-3 घंटे बाद चलने फिरने लग गया, उसके बाद मेरा लिक्विड चालू हो गया और आज सुबह मैंने नाश्ता भी किया है और अभी मुझे डिस्चार्ज दिया जा रहा है और मुझे कोई पेन नहीं है और कोई समस्या नहीं है। तो जिसको भी ये प्रॉब्लम हो वो आकर डॉक्टर चिराग ठक्कर से मिले। मेरा नाम दिलीप सिंह है, मैं इस बीमारी से पिछले 3 साल से बहुत प्रॉब्लम में था, तो मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर मुझे एंटासिड दे के भेज देते थे और उससे कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे। तो फिर मैंने डॉक्टर चिराग ठक्कर का यूट्यूब पे वीडियो देखा, उसके बाद आके इनसे मिला और आज मेरी सर्जरी हुए, 2 दिन हो गए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अच्छे से खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, अच्छे से घूम रहा हूँ। मेरा नाम दिलीप सिंह है, मैं राजस्थान से आया हूँ और मुझे पहले एसिडिटी और ये डकारे आने की बहुत समस्या थी, तो मैंने सर से ऑपरेशन करवाया है। ऑपरेशन के आज 1.5 महीना हो चुका है, 1.5 महीने बाद मैं वापस फॉलोअप में आया हूँ, तो अभी मैं कुछ खा पी रहा हूँ अच्छे से और घूम फिर रहा हूँ और काम कर रहा हूँ, मेरे सारे काम कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मेरा ऑपरेशन हुआ है। तो जिसको भी ये प्रॉब्लम हो वो आगे डॉक्टर साहब से मिले और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवाए। Don't forget to subscribe our channel for more health-related information.